बहुत दिन बाद वीडियो बनाऊँ, अभी अभी उठा हूँ आज, मैं कुछ दिन बाद जो है जल्द जल्द से भी डिजाइन देने वाला हूँ। सोच रहा हूँ बताऊँ कि आपको क्यों डिजाइन दे रहा हूँ, किस वजह से दे रहा हूँ। एक्चुअली रीज़न तो है अच्छा खासा, बट भाई बताऊँगा चल के, अभी फिलहाल तो अभी उठाऊँ, बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, अभी उठाऊँगा। अभी तो फिलहाल लाइट भी चली गई है, अभी थोड़ा सा नाश्ता करूँगा और फिर वापस से ऑफिस। वही जस्ट डायर वाला अपना और कौन सा हो सकता है, बस जस्ट डायर वाला ऑफिस जाऊँगा फिर वहाँ पर आज दिखाऊँगा कैसे मैं लोग ठंड बहुत पड़ रही है। तो अच्छा करूँ थोड़ा सा, अभी लाइट तो नहीं आई है, 15-20 मिनट वेट कर लिया, नाश्ता भी कर लिया अपने, थोड़ा रेडी हो जाऊँ, रेडी होकर फिर जाता हूँ ऑफिस। आज ऑफिस भी दिखा रहा हूँ वापस से कि टीएमई वगैरह वह कितने लोग मतलब और ज़्यादा आ चुके हैं काम करने के लिए। मैं तो देखो छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे चल के बताऊँगा कि कैसा क्या माहौल चल रहा है, बहुत गंदा ही माहौल चल रहा है। चलो फिलहाल तो रेडी हो जाऊँ फिर देखते हैं। अब निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए, अभी जा रहा हूँ, फिलहाल गाड़ी चला रहा हूँ, चलते हैं। एक्चुअली वजह है अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद क्लियर वॉइस आए या ना आए पता नहीं, बट थोड़ा थोड़ा आए। आप इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि मतलब इसकी कोई वही नहीं है। वो तो सुबह 9 बजे में रात में 9 बज जाता है, मैं 10 बज जाता हूँ, 10 बजे में खाना बनाओ खाओ, बहुत लेट लगता है इस वजह से। अभी फिलहाल ट्रैफिक आ गया तो थोड़ी देर के लिए बहुत लेट हूँ। अभी तो फिलहाल ऑफिस जाऊँ, क्या है कि एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया हूँ। ऑफिस वालों से पहले वो भी देते हैं, फाइन लगा देते हैं यार, अगर लेट पहुँचे, अगर 10-15 मिनट लेट हो गए तो फाइन लगा देते हैं। और मीटिंग भी कैसे रखेंगे, इतनी ठंड पड़ रही है फिर भी मीटिंग रखेंगे, 9:15, 9:20। फर्स्ट मंथ में 2 सेल ला दी थी और किसी इस मंथ है मतलब दिसंबर में मैंने 2 डील लाई खुद से, ना कि किसी का कोर्स, और इस मंथ में 2 डील आ गए मतलब कि मेरे जो टोटल 4 डील है। और मतलब मेरी लास्ट डील आई थी 9 जनवरी को, उसके बाद ये मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर कि इसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं क्योंकि हर से ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। इसी वजह से सोच रहा हूँ कि डिजाइन ही दे दूँ, वैसे ही मैं सैलरी आ जाएगी मेरी 7 तारीख, उसके बाद तो मैं छोड़ ही रहा हूँ, क्योंकि आप एकदम के साथ काम नहीं कर सकते। अगर अगर आपने डील आ गई है पर डे भी डील लाएंगे ना आप पर डे, तो भी ये लोग बोलेंगे कि और लाओ और लाओ, ऐसा होता है। फिलहाल कचरा पे भीड़ कचरा लेके आए गाड़ी देखिए। ऑफिस यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी अपनी बार, ये मैं कचरा लाया था और ये है अपना वर्ल्ड का स्क्वायर।
ये जो मैंने आपको दिखाई था, और ये रहा जस्ट डायल का बोर्ड ऊपर ऑफिस मेरा। अभी तो फिलहाल अब ऑफिस पहुंच गया हूँ, अभी तो कोई आया तक नहीं है। मैं आज बहुत जल्दी आ गया शायद, वैसे कि अगर आज लेट हो जाता, लेट हो वैसे 9:30 तक मैं आऊँ तो फिर ये लोग लेट बोलने लगते हैं। अब आज जल्दी आ गया तो अभी तक कोई आया ही नहीं है। चलो अभी कचरा तो फिलहाल फेंक दो। हमारे जस्ट डायल के वर्कर एम्प्लॉय हो रहा जस्ट डायल, सब लोग खड़े डिस्कस कर रहे हैं कैसे क्या डील आई है। इसमें हम लोग काम करते हैं जो कि पूना ब्रांच है। पूना ब्रांच में आपका एमपी आता है, इंटायर महाराष्ट्र आता है, ओला वीडियो बना रहा हूँ। क्या बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चुप रहे। वीडियो बना रहे, स्नैप डाल रहे हैं हम लोग। अनिल कहाँ है? अनिल को आगे भेजना, अनिल तो एक्सपर्ट है। गरीबी उधर हो जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो जाए, मेरे को आनंद चाहिए। आ चुका हूँ फील्ड वर्क पे और ये कर रहे हैं लोग काम, काम कर रहे हैं। अबे फर्जी लोग भर रहे हैं फर्जी लिस्टिंग से। ये लोग देखो यहाँ पे खड़े खड़े दुकाने की लिस्टिंग कर देते हैं। दुकान का मालिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल दुकान के बोर्ड की फोटो मिल जाए बस इनको। ये हमारे दो, हमारी जस्ट डायल के दो अपशिष्ट पदार्थ हैं। ध्यान से देख लो इनके चेहरों को, ये रहे। सो गाइस हम जा रहे हैं फिर से वापस से लिस्टिंग करने। आज तो इतना प्रेशर दे रहे हो लोग कि डील लाओ डील लाओ, और डील कहाँ से लाओ जब हाई नहीं है डील, तो डील कहाँ से लाएं। देखो फिर से जा रहे हैं कहीं जगह ट्राई करेंगे, शायद हो जाए कुछ, वारे ने आ रहे तो बन जाए काम। और आगे रेडिसन स्क्वायर, वो दिख रहा है जो होटल रेडिसन होटल है, वहां पे इंडिया टीम आके रोका करती है। सिगरेट चाय हेलो साले बर्बाद लड़के, शादीशुदा हैं ये, दो दो लड़कों के बाप हैं, और इसके तो कल ही हुई है शादी। काम कर रहे हैं लड़के यहाँ के जस्ट डायल के, बेचारे बाबा। अभी बैठे हुए हैं निपानिया में, रात हो चुकी है, अभी भी काम चल रहा है। जैसे कि मेरा दोस्त दिख रहा होगा पीछे, वो खड़ा हुआ कर रहा है फ्लाईओवर में, ऐसा काम होता है, रात हो जाती है हम लोगों को करते करते। अभी फिलहाल अभी तो जाएंगे ऑफिस रिपोर्टिंग करने। कल पता कितने बजे छोड़ा गया था, 9:30 बज चुका था रात में, 9:30 बजे छोड़े थे कल, 9:30 बजे रात में छोड़ा गया था, जिससे मतलब मैं रूम पहुंचा था जाके 10 बजे के समथिंग पहुंचा था, 10 से ज़्यादा ही हो गया था। फिर सोचो मैं कल खाना भी नहीं बना पाया, तो फिर मैंने जो है खाना पैक करवा लिया बाहर से। अब ऐसा तो सिस्टम है खाना भी नहीं बना सकता, और उसमें भी 100 रुपये मेरा चला गया। सैलरी भी आई है तो पीएफ कट के आई है, उसमें भी घाटा है। अब ये देखते हैं फिलहाल रात का वहाँ पे कर रहा होगा मेरा दोस्त काम,
यहाँ हम निकल जाएंगे देवास नाका। ये BCM है वो देख रहा होगा। एक मेरा कस्टमर था, उसने पूरे MP को मैंने उसको दिया गया था लिस्टिंग के लिए, बट उसने बोल रहा है कि उनको नीड्स नहीं आ रही है। तो सर से मैंने बात करी तो बोल रहे कि वापस से रिलॉगिन, मतलब एक 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 डील और काउंट हो जाएगी महीना पे। बट अब मतलब क्या है डील काउंट होने का, मैंने तो डिसाइड ही कर लिया है 200% कि मेरे को रिजाइन ही करना है। क्या कर सकते हैं बताओ, 10 सुबह 9 बजे आए, शाम को 10 बजे रूम पहुँचे, 13 घंटे की नौकरी ले रहे हैं, 13 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट मिला बताइए? ऊपर से इतना ज़्यादा लोड प्रेशर, कोई फायदा नहीं है इससे अच्छा काम करने का। इससे अच्छा तो कहीं और ऑफिस वर्क कर लो, ज़्यादा बेटर है। अभी आया जस्ट, अभी टाइम क्या हो गया है 10 बजने वाले। अब इसमें काम करना हो, कल संडे है, कल फिर भी काम के लिए बोल रहे हैं कि कल संडे को भी काम करो। बल्कि अभी मेरी एक डील क्लोज होके आई है, मैं अभी एक डील क्लोज करके आया हूँ, फिर भी इस तरह में कौन काम करना चाहेगा। और अभी तो हालत इतनी खराब है कि खाना बनाने के लिए भी टाइम नहीं है, इसलिए खाना लेके आया हूँ।